नमस्ते दोस्तों, मैं प्रियंका प्रिया JPMD 5 में आपका स्वागत करती हूँ। मैं इससे पहले आप लोग के लिए इरिटेरिया करेंट अफेयर का राष्ट्रीय पाठ 1 से 10 तक पढ़ाई हूँ और मैंने आपको बोला था कि इसको नोट करके याद कर लेने के लिए। आशा है कि आप लोग याद कर लिए होंगे। तो चलिए अब 11 से शुरू करती हूँ। 11, कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाइए और 11 से लिखिए। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला कौन बना है? मंडला, मध्य प्रदेश। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला कौन बना है? मंडला, मध्य प्रदेश। 12, किस रेलवे जोन ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वार्षिकी का परिचालन प्रारंभ किया है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने। किस रेलवे जोन ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वार्षिकी का परिचालन प्रारंभ किया है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। अब 13 नंबर क्वेश्चन। 13, किस राज्य में भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी? किस राज्य में भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी? उत्तर प्रदेश। 14, ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल। ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल। 15, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? रानीखेत, उत्तराखंड। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? रानीखेत, उत्तराखंड। 16, हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल कौन बना है? एलोरा की गुफा। हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल कौन बना है? एलोरा की गुफा। 17, ब्लॉक चेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? झारखंड। ब्लॉक चेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? झारखंड। 18, पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है? गुवाहाटी, असम में। पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है? गुवाहाटी, असम में। 19, हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? राखीगढ़ी, हरियाणा। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? राखीगढ़ी, हरियाणा। 20, भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गया, बिहार में। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गया, बिहार में। चलिए दोस्तों, अब इतना ही पर स्टॉप करते हैं। इसको याद करके और रखिएगा लोग, याद करके इससे आपको लाभ मिलेगा। आगे फिर हम अगला वीडियो डालूंगी, तब तक याद करके रखिए। थैंक यू।